अगर आप चाहते हैं वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले और पूरी डिटेल में, तो गूगल में टाइप करें फास्ट जॉब सर्चर्स और पहले वाले लिंक को खोलें। हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं फास्ट जॉब अलर्ट। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जॉब अलर्ट। चलिए शुरू करते हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL ने जूनियर अकाउंट्स क्लर्क पद के लिए ऑनलाइन वैकेंसी निकाली है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ले। अप्लीकेशन शुरू होगा 11/5/2018 से। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई करने का 31/5/2018। एग्जामिनेशन डेट जो है लास्ट वीक ऑफ जून 2018 होगा। अब अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर ले। जनरल बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये, एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ बिहार के लिए 375 रुपये हैं। आप अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से। एज लिमिटेशन के बारे में बात कर ले। एज एज ऑन 1/1/2018 मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 37 साल है। एज रिलैक्सेशन के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। टोटल पोस्ट 350 है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले। कैंडिडेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट इन कॉमर्स में पास होना चाहिए। अब वैकेंसी डिटेल के बारे में बात कर ले। पोस्ट का नाम जूनियर अकाउंट्स क्लर्क है। जनरल के लिए 115 पद है, जनरल वुमेन के लिए 60 पद है, एससी जनरल के लिए 35 पद है, एससी वुमेन के लिए 21 पद है, एसटी जनरल के लिए 3 पद है, एसटी वुमेन के लिए 1 पद है, ईबीसी जनरल के लिए 40 पद है, ईबीसी वुमेन के लिए 23 पद है, बीसी जनरल के लिए 28 पद है, बीसी वुमेन के लिए 14 पद है, फीमेल बीसी के लिए 10 पद है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर ले। कैंडिडेट का चयन जो होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। अब सिलेबस के बारे में ओवरव्यू कर ले थोड़ा। जनरल नॉलेज जो होगा 10th लेवल का होगा, लॉजिकल रीजनिंग जो होगा 10th लेवल का होगा, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन जो होगा 10th लेवल का होगा, जनरल हिंदी 10th लेवल का होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होगा, कुछ कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स होगा जैसे कि कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, कंपनीज एक्ट 1956 विथ अमेंडमेंट्स, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सिंगल एंट्री सिस्टम एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोलना होगा www.bsphcl.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर अप्लीकेशन का लिंक जो होगा 11/5/2018 को अवेलेबल होगा। ऑनलाइन अप्लीकेशन भरने के बाद कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट रखना होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एक्सेट्रा इत्यादि में आप चेंज नहीं कर सकते हैं यानी कि मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले इमेज का स्कैन होना चाहिए JPG या JPEG फॉर्मेट में, जो कि रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जिनका साइज जो है 500 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए। अब ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस के बारे में जान लें। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन या लॉगिन होगा, दूसरे स्टेप में पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स होगा,
तीसरे स्टेज में अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होगा, चौथे स्टेप में पेमेंट एंड फाइनल सबमिशन होगा, और पांचवी स्टेप में जनरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड अत्यधिक जानकारी के लिए और अप्लाई करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.firejobsearchers.com पे। इस वेबसाइट पर प्रत्येक दिन एक नया जॉब पब्लिश किया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाले जॉब अलर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वैकेंसी से रिलेटेड आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।